अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। सबसे पहले मैं अपने अस्तित्व का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे अंदर इतना हौसला पैदा किया है कि मैं यहाँ पर आकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। दोस्तों उस्ताद कोई बादशाह तो नहीं होता पर बादशाह इन्हीं की वजह से होते। उस्ताद कोई डॉक्टर तो नहीं होता पर डॉक्टर इन्हीं की वजह से होते। उस्ताद कोई इंजीनियर तो नहीं होता पर इंजीनियर इन्हीं की वजह से होते हैं। उस्ताद पत्थर को हीरे में बदलने की सलाहियत रखते हैं, ये हमें राह दिखाते हैं। जब हम खो जाते हैं ये हमारा सहारा बनते हैं। जब हम कमजोर पड़ जाते हैं ये हमें थाम लेते हैं। जब हम लड़खड़ाने लग जाते हैं उस्ताद रोशनी का निहार है, ये हर किसी को तालीम हासिल करने में मदद देते हैं। अगर इनके शागिर्द को किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो ये शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। उस्ताद एक मोमबत्ती की तरह होते हैं जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को मशक्कत करते हैं, जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को मुश्किल में डाल देते हैं। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ ना जानती थी मुझे सब कुछ सिखाया। पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ रखी इतने बड़े जहान से। दोस्तों हमारा मुल्क अगर एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, हमारे मुल्क में अगर बड़े बड़े डॉक्टर्स बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारे मुल्क में काबिल उस्ताद है। जिस मुल्क में पैसे को ज्यादा अहमियत दी जाती है, इनकी इज्जत की जाती है, इनको अच्छा मुकाम दिया जाता है, वही मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है। दोस्तों उस्ताद और एक तालिबा का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कोई नहीं। उस्ताद की तारीफ सुनना चाहते हो तो सुनिए। उस्ताद वो है जो बंजर जमीन को कलियां बना देता है। उस्ताद वो है जो पत्थर को तराशता हीरा बना देता है। उस्ताद वो है जो लोहार भी है। उस्ताद वो है जो पहचान भी है। उस्ताद वो है जो मेहरे वतन भी है। इमाम गजली ने उस्ताद के बारे में फरमाया कि मेरे हकीकी बाप ने मुझे आसमान से लाकर जमीन पे रख दिया, लेकिन मेरे रूहानी बाप ने मुझे जमीन से लेकर आसमान तक पहुँचा दिया। हजार के मौसम में भी बहार देते हैं, हजार के मौसम में भी बहार देते हैं। उस्ताद तालिबा को तरबियत से निकाल देते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम किरदार देकर उस्ताद को आला बना दिया। इस्लाम ने उस्ताद को रूहानी बाप बना दिया है। ये मेरा दावा है कि जिस तरह महक को फूलों की जरूरत है, चांद को दमक की, सूरज को चमक की, रूह को जिस्म की, इसी तरह हमारे माशरे को उस्ताद की जरूरत है। अपने तमाम असातिज़ा को जिन्होंने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया उनको सलाम पेश करते हुए कहना चाहूंगी, पेशवा है तू है इमाम। ऐ मेरे उस्ताद तेरी अज़मत तेरी रिफ़त को सलाम। ऐ मेरे उस्ताद तू है ज़ीशान, ऐ मेरे उस्ताद तू है ज़ीशान, तेरी अज़मत तेरी रिफ़त को बिला शुबा सलाम। अब हम प्रिंसिपल साहब को दावत देना चाहेंगे, वो स्टेज पे आएंगे और बाकी उस्तादिज़ा किराम भी आएंगे और यहाँ पे केक काटेंगे।